शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th साइंस। आई एम नसीलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 जी। इसमें हम क्या सीखेंगे जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। इससे जो लास्ट वीडियो थी, इससे पहले जो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको यानी कि ड्राइव करना सिखाया था, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप फार्मूला सीख लें और फार्मूले को आपने याद कर लेना है। अब फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के हम इस साइड पर ले आते हैं। इनके हम करेंगे ये माइनस एक्स, देखें माइनस एक्स है ना, तो ये इधर आगे हो गया प्लस एक्स स्क्वेयर, तो +7 इधर ही है, तो 2 प्लस है तो 2 आ गया, तो माइनस हो गया, इज इक्वल 0 आ गया जी। तो ये प्लस का साइन हम नहीं लगाते, यानी कि आपने इन दोनों के साइन चेंज करके आप इस साइड पर ले और साथ इनको अरेंज करके आपने लिख लेना। जो पहली वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है, क्योंकि जो इसका कोएफिशिएंट होगा हम वो लिखेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट जो हमारे पास 1 नहीं है, तो बी दूसरी हमारी बी होती है, और एक्स के साथ जो होगा वो हमारी बी वैल्यू होगी, एंड पे जो रह जाती है वो सी होती है। सी हमारे पास आ गया -2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखेंगे, वो हमारे पास बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac तो डिवाइडेड बाय 2 है। ये फार्मूला हमारे पास छोटा था, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, बी पे हमारे पास आ जाएगा जी 7 माइनस उसका अपना है, तो बी पे फिर 7 का स्क्वेयर -4a पे 1 और सी पे -2। नीचे आप देख लें जी हमारे पास क्या आ गया, 2a है ये, ठीक है, तो 2 लगा के ए के साथ हम क्या लगाएंगे 1 -7 प्लस माइनस 7 7 49 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 4 8 और 2 1 2, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे जी -7 प्लस माइनस, इसको प्लस कर लें आप, ये बन जाएगा 57। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 57 का जो है ना वो स्क्वायर रूट नहीं होता। तो यहाँ तक इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों, अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये। 5 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशंस हैं, तो मैं पहले ये चाह रहा था कि आपको दो क्वेश्चन में सिंपल इक्वेशन से करवा दूँ, उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन है उसमें ज़रा पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको बाद में इकट्ठे करवा देता हूँ जी। इसमें आप देखें क्वेश्चन -3 -7x है, जिसको मैंने रीअरेंज कर लिया, वाले 6x² -7 और यानी के माइनस, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब सेम ऐसे ही पहली वैल्यू ए होती है, दूसरी बी होती है, तीसरी हमारे पास सी होती है। ये हमारे पास इसका कोएफिशिएंट 6 है, इसका -7 और इसका -3 हो गया। फार्मूला भी मैंने पहले लिख दिया, ताकि जो वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। तो -b के पे हम लगाएंगे -7 ऐसे। अब यहाँ पे डबल माइनस क्यों आ रहा है जी, एक तो इसका माइनस है बी का, और एक जो है ये 7 का माइनस है, इसलिए। अब -7 का फिर स्क्वेयर आ गया 4, a पे लगाएंगे हम 6 और b पे लगाएंगे -3, इसके ऊपर आप स्क्वेयर रूट लगा दें, और नीचे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a मतलब के 6, a की जगह पे आप 6 लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो प्लस माइनस 7 7 49 माइनस माइनस प्लस। तो अब आप ये देखें 6 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से, 24 हो गया, 24 को अगर आप करेंगे किससे 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आप कैलकुलेटर से कर लें, 24 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास आ गया 72। नीचे हमारे पास 12 आ गया। अब आप 7 प्लस माइनस इसको प्लस कर लें 49 को और 72 को, तो ये हमारे पास 111 आ गया, नीचे 12 आ गया। अब 111 का अगर आप स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, सॉरी 121 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। अब हम इसके दो आंसर्स निकालेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जी बच्चों आप देखें, अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया आगे, एक दफ़ा इसको आप प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, इनके 7 प्लस 11 ओवर 12 और 7 माइनस 11 ओवर 12 जी। तो इनको प्लस किया 18 आ गया, नीचे 12 है, तो 8 6 3 18 6 2 12, तो 3/2 पहला आंसर आ गया। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 को 12 पर डिवाइड करें, यानी कि 4 1 4 4 3 12, तो 1/3 -1/3 इसका आंसर आ गया। तो आप इसका आंसर सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 3/2 -1/3। तो अब करते हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको मैंने पहले अरेंज कर दिया है, पहले 3x² लिखना है, तो x प्लस एक्स आ गया, ये इधर प्लस और इसी तरह आ गया, माइनस इज इक्वल 0 होगी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब x² के साथ जो होती है वो हमारी a, और x के साथ कुछ नहीं है तो 1, 1 हमारा b हो गया, तो ये -4 3 का स्क्वायर रूट ये हमारी c होगी। अब x इज इक्वल -b + -b² -4ac/2 है, ये इसका फार्मूला है, तो इसको अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, -b के साथ हमारा आ जाएगा इधर 1, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर -4 a पे आ जाएगा 3 का स्केयर रूट, और c पे आ जाएगा -4 और 3 का स्केयर रूट। इसके ऊपर आप ऐसे स्केयर रूट लगा दें, नीचे आ जाएगा 2a और a पे आएगा 3 का स्केयर रूट। जी अब आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल सेम -1 ऐसे ही आ गया, +1 का स्केयर 1 हो गया, -4 4 16 और 3 का स्केयर रूट का स्केयर 1 जाएगा, क्योंकि ये दो दफ़ा मल्टीप्लाई होने, इसलिए इसका आपने स्केयर बना देना है। नीचे आप करेंगे 2 × 3 का स्केयर रूट, तो अब आप देखें -1 ऐसे ही आ गया, तो 1 + 16 × ये देखें इसे कट गया, 3 आ गया। नीचे फिर ये सेम, तो अब -1 + -1 + 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 बन जाएगा। नीचे फिर आपका 2 और 3 का स्केयर रूट आ गया, तो अब आप क्या करेंगे जी, -1 + -1 इसको प्लस कर लें, 49 आ गया, नीचे हमारे पास 2 और 3 का स्केयर रूट हो गया, -1 + -1 इसका स्केयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 7। अब हम इसके दो आंसर निकालेंगे, एक प्लस के साथ करेंगे, एक इसको माइनस के साथ, इनके +7 रखेंगे एक दफ़ा, और एक दफ़ा हम इसको रखेंगे -7, एक्स -1 और -7। जी नीचे वही रहेगा। अब आप इस साइड पे क्या करेंगे, +-6 आ गया, नीचे 2/3 का स्केयर, इसकी कटिंग कर दें, 2 3 6, तो ये आ गया 3/3 का स्केयर रूट। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, 3 3 का स्केयर रूट × 3 का स्केयर रूट को दो दफ़ा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर तो हमारे पास आ गया 3 का स्केयर रूट × 3, नीचे हमारे पास 3 का होल स्केयर बन गया, इससे आप काट दें। अब देखें, अब 3 का स्केयर रूट / 3, 3 3 से काट दें, तो इसका जो पहला आंसर हमारे पास आ गया सिंपल 3 का स्केयर रूट आ गया। अब जो दूसरा है उसको सॉल्व करते हैं जी, ये आ गया -8, प्लस किया तो 3 आ गया एक्स, तो ये 2 4 8 -4 ऊपर और 3 का स्केयर रूट नीचे। अब ये माइनस में आ गए तो इसका हम कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, तो इसका यही हमारे पास आंसर आएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं इसके नीचे, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे इसके हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, ये आएगा 3 का स्केयर रूट − 4/3 का स्केयर रूट, इसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, वो करते हैं। यहाँ पे आप देखें, इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेंगे, ये पहले भी आपने इक्वेशन बनानी सीखी थी, सेम वही मेथड इसमें भी होगा, x − 6 और x − 5, ये हमारे पास एलसीएम आ गया दोनों। यहाँ से सेम सेम काट दें, देखें ये x + x − 6 x − 6 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास ऊपर आ गया जी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x − 5, दरमियान में माइनस आ गया, ये x − 5 5 से कैंसिल कर दें आप, तो इधर आ गया 4 × x − 6 = 1। जी अब आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 × x 3x 3 5 15, −4 × x − 4x − −+4 6 = 24, नीचे आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें x x x² तो x − 5 5x, पहले आपने x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 को कर लें, 6 × x 6x − −+6 = 30। जी अब आप इन दोनों को करें जी प्लस माइनस जो भी होता है, तो
फोर एक्स में से माइनस प्लस थ्री है तो ये बन गया माइनस एक्स। 24 में से आप 9 को माइनस कर दें, 15 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 9 आ जाएगा, माइनस 9 प्लस 9 बड़ी वाला साइन। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल 1। अब आप क्या करेंगे जी, ये जो नीचे वाली है इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे एक्स प्लस 9 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही आ जाएगी ऐसे। अब वो वाली दोनों आप इस साइड पर ला के कर लें इसको, यानी कि प्लस हो गया एक्स और प्लस 3 या तो माइनस प्लस 9 है तो माइनस 9 हो गया, यानी कि ये दो वैल्यूज उधर एक माइनस थी तो ये हो गया प्लस हो गई, ये प्लस 9 है तो ये इधर आकर हो गया माइनस 9। तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वेयर माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 21 रह गया पीछे। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 21। तो आगे से आप इसको मेरे हाथ से कर लेंगे खुद ही जी। चलो मैंने आपके लिए इसको सॉल्व कर ही दिया है, काम आपका सॉल्व करते रहेंगे जी। तो अब देखें ए का हमारे पास आ गया 1, बी का माइनस 10 और सी का 21 है। सेम वही फार्मूला, ए माइनस बी प्लस माइनस बी इसके माइनस 4 सी वो 2 है, तो बी पे आपने बनाना माइनस 10 तो डबल माइनस 2 है, एक तो बी का बाहर वाला माइनस रहेगा तो 10 का अंदर आ गया माइनस, प्लस माइनस 10 माइनस 10 का स्क्वेयर 4, ए पे 1 और सी पे 21 आ गया, तो नीचे 2 ए पे 1 आ गया, ये 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 का स्क्वेयर ले लिया 100 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 21 को 4 से और फिर 1 से तो हमारे पास 84 आ जाएगा, नीचे 1 आ गया, 10 सेम प्लस माइनस, इसको अगर आप माइनस करेंगे 16 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ गया 2। और अब आप क्या करेंगे इसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 4, एक दफ़ा इसको प्लस कर लें एक दफ़ा इसको माइनस कर लें, प्लस करें 14 आया, 14 को 2 पर डिवाइड करें 7 आ गया, इनको करें माइनस 6 आ गया, 6 को 2 पर डिवाइड करें तो 3 आ गया, तो 7 और 3 हमारा इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो इंशाल्लाह बगैर करते हैं क्वेश्चन जी बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखें 10 करते हैं, हमारे पास है माइनस एल एम ब्रैकेट में बाहर और माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एल प्लस एम मल्टीप्लाई एक्स है। तो आप क्या करेंगे एक्स स्क्वेयर वाली देखें पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद ये वाली लिखेंगे और इसको माइनस एल प्लस एम से तो आप एंड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे आप इन सब के साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि जो एक्स वाला एक्स स्क्वेयर है उसके साथ माइनस है तो इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे सब के साइन चेंज कर देंगे, इनके आप कहते हैं कि आपने माइनस का हम ले लिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया। अब ए हमारे पास एल हो गया, बी हमारे पास हो गया माइनस 2 एल प्लस एम और जो सी है हमारे पास एल प्लस एम हो गया। अब फार्मूला सेम आपको वही लिखा जाएगा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू जब आपने पुट करनी है तो हमारे पास देखें माइनस बी को पहले आप माइनस लगाएंगे तो माइनस 2 एल प्लस एम, तो इधर आप ऐसा करें कि स्क्वेयर ब्रैकेट लगा लें ऐसे, ये जो माइनस है ये बाहर रहेगा इसके ब्रैकेट ऐसे हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे भी आप देखें स्क्वेयर ब्रैकेट पहले आप लगाएंगे माइनस 2 एल प्लस एम तो ऐसे और इसका होल स्क्वेयर जी माइनस 4 ए पे आप क्या लगाएंगे एल और बी पे आप लगाएंगे एल प्लस एम, इसके ऊपर आप ऐसे स्क्वेयर रूट लगा दें, यहाँ तक नीचे आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई ए के एल हमारे पास ऐसे आ गया जी। अब यहाँ पे आप देखें माइनस माइनस हो गया प्लस 2 एल प्लस एम सेम आ गया प्लस माइनस, इसका आप स्केयर ओपन, ये तो हो गया माइनस में प्लस हो गया ना, अब इसका आप स्केयर ओपन कर लेंगे, इनके 2 एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर प्लस 2 और फर्स्ट टर्म और एम सेकंड टर्म जी, इसका आपने स्केयर ओपन कर लिया, माइनस 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई एल 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 का स्केयर हो गया तो प्लस माइनस माइनस तो 4 मल्टीप्लाई एम, तो ये 4 एम हो गया, इसके ऊपर स्केयर रूट लगा दें, अब नीचे हमारे पास 2 एल ही रहेगा
तो एक स्टेप इसका इधर गौर करते हैं, 2L+M+ माना सर, यहाँ पे इसका स्केयर ओपन करें, 4L² + M² + 4LM। जी तो इसके साथ भी देखें 4LM था, उसके बाद ये दोनों सेम रहे हैं, 4L² - 4LM, स्केयर रूट ऊपर, नीचे हमारे पास आ गया इसका 2L। जी अब हम क्या करेंगे देखें कि x इज इक्वल 2L + M+ - यहाँ से देखें -4L² + 4L² कट गया, +4LM कट गया -4LM से, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया m का स्केयर खाली, नीचे 2L आ गया, 2L + M+ ये कट गया, हाली एम आ गया, नीचे 2L आ गया। तो अब आप इसको एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा आप इसको ऐसे लिखें 2L + M - M। जी एम को आपने एक दफ़ा प्लस कर लेना, एक दफ़ा माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए जी 2L+2M हो गया, जमा किया ऊपर 2L 2 काम ले लें यहाँ पे, तो L+M बच गया, 2 2 से काट दें, L+M पहला आंसर आ गया, इधर से MM कैंसिल हो गया आपस में, तो 2L/2L, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। जी तो इसका जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो वहाँ से लिखेंगे L+M और 1। यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज ऐड कर लें, ये 2 कट गया था ना, ये 2L था, 2 कट गया, L नीचे रह गया, इसके नीचे L भी आना हमारा, ठीक है ना, तो इसके नीचे भी आप ऐसे L लगा लें। चलो ये हमारा आंसर आ गया, बाकी ठीक हो गया।